गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैंने जो आप लोगों को आपका अष्टम पाठक का रक्षाबंधन चैप्टर पढ़ाया था, आज मैं आप लोगों को उसका एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग बताने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। देखिए, सबसे पहले वर्ड मीनिंग। पर्व का अर्थ होता है त्यौहार। भगिन्यः बहने, भ्रातृणाम भाइयों की, मणिबंधेषु कलाइयों पर, चिरायु लंबी उम्र, एकाकिनी अकेली, प्रेषितवती भेजी, अरिभ्यः शत्रुओं से, ता वे एकदा एक बार, पूर्व पहले, परम लेके। ठीक है, ये आप लोगों को कॉपी में नोट करना है। अब मैं आप लोगों को अभ्यास कराने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर वन में है बच्चों, आप लोगों का निम्नलिखित वाक्यों का रिक्त स्थान भरिए। तो देखिए, क है रक्षाबंधनम हिंदू नाम पर्व अस्ति। ख रागी कर्मवती दुर्गे एकाकिनी आसी। ग इदं पर्व श्रावण मासे भवति। घ हुमायूं तस्या प्रदेशम अरिभ्य अरक्षत। आप देखिए क्वेश्चन नंबर टू में क्या है बच्चों आप लोगों का, निम्नलिखित का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ का संस्कृत में अनुवाद करना है। ठीक है, जैसे कि बहने भाइयों की कलाइयों पर राखियां बांधती हैं, इसका होगा भगिन्यः भ्रातृणां मणिबंधेषु रक्षा सूत्राणि बंधनति। ठीक है, एक बार फिर मैं बोलती हूँ, मणि भगिन्यः भ्रातृणां मणिबंधेषु रक्षा सूत्राणि बंधयति। ठीक है, फिर है वे उनके लिए लंबी उम्र की मंगल कामना करती है। वे उनके लिए मंगल कामना करती है, तो होगा तातेभ्यः मंगल कामनां कुर्वन्ति। तातेभ्यः मंगल कामनां कुर्वन्ति। फिर है बच्चों, भाइयों की लंबी आयु की कामना करती है। वे भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती है, तो ता भ्रातृभ्यः चिरायुस्य कामनां कुर्वन्ति। ता भ्रातृभ्यः चिरायुस्य कामनां कुर्वन्ति। फिर भाई भी सदा उनकी रक्षा की प्रतिज्ञा करते हैं। भ्रातरः अपि सर्वदा तासां रक्षणार्थं प्रतिज्ञां कुर्वन्ति। भ्रातरः अपि सर्वदा तासां रक्षणार्थं प्रतिज्ञां कुर्वन्ति। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर उन्हें अपने वाक्यों में लिखना है। ये संस्कृत में शब्द है, इनका अर्थ लिखना है हिंदी में और हिंदी में ही वाक्य बनाना है। ठीक है, जैसे पर्व, पर्व को हिंदी में बोलते हैं त्यौहार, और पर्व भी कहा जाता है, तो त्यौहार लिखेंगे उसको वाक्य में प्रयोग। राखी हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है, दुर्गे का अर्थ होता है किला। रानी कर्मवती उस किले की अकेली रानी थी। उसके बाद है भ्रातृणाम भाइयों की, बहन अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती है। रक्षा सूत्रम मीन्स राखी, रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। एकदा का अर्थ होता है एक बार। वाक्य प्रयोग इसका है, एक बार चित्तौड़गढ़ पर हमला हुआ। तस्मीन काले यानी कि उस समय, इसका अर्थ है उस समय हुमायूं युद्ध में व्यस्त थे। अरिभ्यः, अरिभ्यः का अर्थ होता है शत्रुओं से। तब हुमायूं उस प्रदेश की शत्रुओं से रक्षा किए। ठीक है, या फिर लिख लीजिए हुमायूं उस प्रदेश की शत्रुओं से रक्षा किए। ठीक है, और जो ये लास्ट वाला है ये मैंने कटवा दिया है, ये नहीं करना है, बस यहाँ तक अरिभ्यः तक आप लोगों को करना है। बुक और कॉपी में दोनों में नोट करके स्कूल में चेक कराने के लिए लेकर आना है। यहाँ पे आप लोगों का जो चैप्टर 7 है वो कंप्लीट होता है। अब मैं आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी। ओके, थैंक यू।